हमेशा से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और आतंकियों के हक में बात करने के कारण सुर्खियों में रहने वाली पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बुधवार को पूंछ के एक मंदिर में दर्शन और शिवलिंग पर जलाभिषेक का वीडियो वायरल हुआ है। महबूबा मुफ्ती के इस वीडियो को लेकर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस वीडियो से काफी लोग हैरान है कि आखिर आतंकवादियों के पक्ष में बोलने वाली महबूबा का ये वीडियो क्या संदेश देता है। महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जल अभिषेक के बाद कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया तो कुछ लोगों का कहना है कि महबूबा मुफ्ती केवल जनता के बीच धार्मिक खाई बनाने के लिए अपने भाषणों में हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं। जानकारी के अनुसार पूंछ दौरे से वापस लौटने से पहले बिना किसी को सूचित किए पीडीपी प्रमुख भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के करीब स्थित गांव देरिया में पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा द्वारा बनाए गए भव्य नवग्रह मंदिर को देखने पहुंची थी। मंदिर समिति के प्रमुख यशपाल शर्मा के छोटे सुपुत्र उदेश पाल और उनके साथियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया और उन्हें पूरे मंदिर में भी घुमाया और मंदिर के दर्शन भी कराए। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने खुद ही जल लेकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती के नवग्रह मंदिर दर्शन का वहां मौजूद किसी युवक ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो रहा है। महबूबा मुफ्ती को मंदिर परिसर का चक्कर लगाते हुए भी देखा गया। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से महबूबा मुफ्ती को शॉल भेंट कर अभिवादन भी किया गया। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, 24x7।